my friends now we have with us the next eminent speaker of this session the honorable member of legislative assembly of delhi advocate somnath bhartiji who's a distinguished indian lawyer turned politician associated with the aam aadmi party with the robust legal background bhartiji practiced law at both supreme court of india and the delhi high court before venturing into politics he made his mark in the political arena by winning the malaviya nagar constituency in 2013 13, delhi state assembly election subsequently serving as the minister of law tourism administrative reforms art and culture in the delhi government bharti ji's commitment to public service is evident through his tenure as an elected member of the legislative assembly from malaviya nagar from february 2015 to february 2020 his leadership role includes chairing the committee on privileges

मंच पे आसीन एम के संस्थापक श्री विश्वनाथ जी कर्नाटका के स्पीकर यू टी फरीद जी को स्पीकर्स राशि जी अपूर्वा जी बिश्नोई जी हमारे एमएलए हरियाणा से यंग आज उनको अवार्ड मिला है और कई सारे यंग साथी जिन्होंने आज अपनी वाणी के जरिए एआई और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की बात की जब मैं कल विश्वनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ का जो एक बहुत बड़ा गुम्बद है एम यूनिवर्सिटी का जब वहाँ ले गए तो वहाँ दिखाया कि बाहर के पेरीफेरी में जो साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक हैं उनकी मूर्तियां लगी हैं अंदर के पेरीफेरी में जो भारत के संत हैं जो ऋषि मुनि हैं और हर धर्म के जीसस की मूर्ति भी मुझे दिखी वहाँ गुरु नानक की मूर्ति भी मुझे दिखी वहाँ साईं बुल्ले शाह सा की भी दिखी स्वामी विवेकानंद की भी दिखी सबकी दिखी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि जिस ए आई और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वो आपने वो कर दिखाया जिसका शब्दों में वर्णन करने का मैं प्रयत्न करता हूं पक्षी के दो पर हैं दो पंख हैं अगर उसमें एक भी पंख कमजोर हुआ तो पक्षी उड़ान नहीं भर सकता इस विश्वनाथ जी के नेतृत्व में जो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग यहाँ चल रहा है एक तो मटीरियलिज्म जो साइंटिस्ट हैं जो बाहर की दुनिया के संशोधक हैं और एक संत मुनि ऋषि भगवान श्री राम सबकी मूर्ति अंदर है वो अंदर आध्यात्मिकता की जो जागृति कर रहे हैं तो एआई, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है जो इनेबलर है ये किसको आगे बढ़ाएगा किस चीज को आगे ले जाएगा जो आपके अंदर है तो विश्वनाथ जी के इस यूनिवर्सिटी में जो प्रयोग है कि पहले आदमी का अंतरतम को बदलो जो अंतरतम मैं आपको धन्यवाद करता हूं सर चूंकि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ जो अंतरतम जो अंतरतम में होगा अगर हेटरेट होगा तो एआई और सोशल मीडिया उसी को उजागर करेगी अगर अंदर अध्यात्म होगा तो ए आई सोशल मीडिया उसी को उजागर करेगी तो ए आई और सोशल मीडिया जो इनेबलर है मेरे स्पीकर साथी सीनियर साथी बैठे थे वो कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया बहुत बड़ा टेंशन भी है तो क्यों है क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ये टूल है वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अध्यात्म आगे बढ़ाना चाहते हैं अध्यात्म बढ़ेगा लोगों के बीच में प्रेम आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रेम बढ़ेगा लोगों की जो अंतरतम की यात्रा है उसको दिखाना चाहते हैं वो बढ़ेगा स्वामी विवेकानंद की बात बढ़ानी है वो बढ़ेगा चंगेज खां की बात बढ़ानी है वो बढ़ेगा जो भी दोगे वो ऐड नहीं करता कुछ जो आप दोगे उसी को आगे बढ़ा देता है तो मैं इस बात से इतफाक रखता हूं कि एआई सोशल मीडिया सिर्फ इनेबलर है क्या बढ़ेगा क्या वो दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा वो उस पर डिपेंड करता है जिसके हाथ में वो टूल है इसलिए बाहर की दुनिया के साथ साथ जो पंख साइंटिस्ट और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा आपको दिया जाता है उसके साथ जो ए आई सोशल मीडिया का जो पंख है उसके साथ साथ अंतरतम का पंख जो भारत के ऋषि मुनियों ने दिया है आपको उसको जरूर आपको मजबूत करना पड़ेगा साथियों एक में छोटा उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति का पुणे के अस्पताल में ऑपरेशन हुआ आंख का ऑपरेशन हुआ अब जब जिस दिन पट्टी खुलने वाली थी उस दिन वो डॉक्टर साहब आए बोले भैया तुम्हारा पट्टी आज खुल जाएगा बोला डॉक्टर साहब एक बात बताइए जब मेरी आंख की पट्टी खुल जाएगी तो क्या मैं पढ़ लिख सकूंगा डॉक्टर बोले क्यों नहीं पढ़ लिख सकोगे बोले ये गजब हो गया आपके हाथ में क्या हुनर है क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है लेकिन आपके ऑपरेशन के बाद पढ़ लिख सकूंगा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई तो ए सोशल मीडिया आपको पढ़ना लिखना, लिखना नहीं सिखा देगा जो अंदर है जो आपको आता है उसी को बढ़ाने की उसी को फैलाने की आपको ताकत दे देगा इसलिए मेरा इंफेसिस इसी पे है कि आग की पट्टी तो खुल जाएगी लेकिन जब तक अंतरतम में वो भारत का जो संत तुकार का ज्ञान है संत ज्ञानेश्वर का ज्ञान है जब तक वो अंदर नहीं पैदा करोगे तब तक एआई सोशल मीडिया आपके बहुत काम ज्यादा नहीं आ पाएगी साथियों मैंने अपने नौजवान साथियों को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसी बातें फैल जाती हैं जो कि हेट्रेड रिलेटेड होती हैं किसी को नुकसान करने के लिए रिलेटेड होती हैं वो एक चैलेंजेज है लेकिन शीला जी ने अपने स्पीच में कहा ये बात कि जो एआई रिलेटेड चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेस किस प्रकार से उसका समाधान होगा वो भी एआई देगा आप समझें मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं मालवीय नगर से तीसरी बार का विधायक हूं पहला मार्जिन आठ हजार का रहा दूसरा मार्जिन सोलह हजार का रहा तीसरा मार्जिन उन्नीस हजार दो सौ का रहा क्यों रहा मैंने क्या उपयोग किया मैंने दिखाया तभी साथियों को स्टेज पे ये मेरा फोन मेरे पास है इस फोन के माध्यम से मैं इस वक्त बैठा जब स्टेज पर बैठा था तो अपने क्षेत्र के लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहा था इसका क्या सदुपयोग किया मैंने कैसे किया मेरा बैकग्राउंड आईआईटी दिल्ली का है मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूं तो हमने क्या किया व्हाट्सएप का एक सदुपयोग किया मेरे विधानसभा में जितने घर हैं जितने हर घर से एक आदमी को लेकर के एक व्यक्ति को लेकर के अपने मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैं उसे कहता हूं मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप देर आर एट्टी थ्री मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप आई एव डिवाइडेड माई कंस्टी इन टू थर्टी फाइव मोहल्ला एवरी मोहल्ला हैज गॉट वन और टू और थ्री मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप्स सो देर आर फोर्टी थाउजेंड फैमिलीज

मेरे यहां जो झुग्गी झोपड़ी है इंदिरा कैंप वाल्मीकि कैंप या मेरे यहां जो पॉश कॉलोनियां हैं नीति बाग हौस खास ग्रीन पार्क इन सबके घर में कुछ हो ना हो लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन स्मार्टफोन तो है तो जो मेरे पॉलिटिक्स पे साथी हैं अगर इससे क्लू ले सकें क्योंकि जो बाकी नॉर्मल साधन होते हैं चुनाव जीतने के पैसे खर्च करना और प्रकार के प्रयोग करना मैं कर नहीं पाता हूं चूंकि ना मेरे पास साध है ना मेरी मनसा है तो आज क्षेत्र के अंदर इंदिरा कैम्प का गरीब झुग्गीवासी हो या नीति बाग का कोई जज साहब हो जो हाईकोर्ट में अभी जज हैं, इन सभी लोग मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं नाम एड्रेस फोन नंबर समस्या लिखते हैं और मैं यहां बैठे समाधान दे देता हूं तो यह है एआई का सदुपयोग करने की ताकत साथियों अभी जब मैं पीछे आ रहा था तो वहां पे कई सारे लोगों ने एक अभी छोटा सेमिनार चल रहा था डिजिटल इंक्लूजन और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग हो सकता है ये जो भी सरकार जो भी पार्टी इस वक्त सरकार में है उसका दायित्व है लेकिन इसके जो फॉलआउट्स हैं वो फॉलआउट्स बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं कोई अच्छा व्यक्ति हो चूंकि चुनाव जब लड़ा जाता है तो जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है जिसके पास झेरे सरे पैसा है वो सिर्फ अपना प्रचार ही नहीं करता वो दूसरों का दुष्प्रचार भी करता है तो दूसरा व्यक्ति अगर बहुत पावरफुल नहीं हो बहुत पैसा उसके पास नहीं हो तो उसके लिए एआई और सोशल मीडिया एक मुसीबत भी बन सकती है इसलिए चूंकि मैं भी दिल्ली सर मेरी पार्टी भी दिल्ली में सरकार है पंजाब में सरकार है तो जिन जिन की पार्टियां जहां जहाँ सरकार है माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो डेमोक्रेसी ट्रूली एक्सेसिबल टू ऑल हो हर व्यक्ति चुनाव के अंदर एक सच्चे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए इसके लिए जरूरी है कि जो इसके फॉलआउट्स हैं उसके ऊपर भी कानून बने उसके ऊपर भी विचार हो जिससे कि इसके जो बैड फॉलआउट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके मैंने अभी मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात चल रही थी हमारे अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा था अब सोचें पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति जो मलयालम बोल रहा है चूंकि अपना देश एक भाषा का नहीं है आप कितना प्रयास कर लें कि भाई एक भाषी देश हो जाए नहीं हो सकता ये मलयालम जो बोल रहा है वो मलयालम में बोलेगा उसकी प्राइड उसी में है जो तमिल बोल रहा है उसकी प्राइड तमिल में ही है तो एज ए गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी है कि ए का उपयोग वहाँ करें कि एक व्यक्ति एक भाषा में बोल रहा है और वो हेडफोन के माध्यम से सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन मिल रही है ये एआई का फॉल आउट है दिस शुड बी वेलकम्ड अब ये बहुत बातें चल रही हैं ईवीएम की इलेक्शन रिगिंग की मैं तो कहता हूं कि देखो एआई का एक बड़ा प्रूफ है ईवीएम अच्छा है लेकिन जो नॉर्मल तरीके से रिगिंग इलेक्शन की होती थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से इलेक्शन की रिगिंग ईवीएम के माध्यम से हो सकती है कहीं कोई बैलेट बॉक्स नहीं ले जाना कहीं चोरी करके ले जाकर के स्टैंप नहीं लगाना यहां तो एक बार आप घुस गए और ईवीएम मशीन पर दबा दब दबा दब बटन दबाना शुरू कर दिया और इलेक्शन का दिशा यहां से वहां वहां चला गया तो यह भी एक फॉल आउट है इस पे भी इस पे भी सरकार को काम करना पड़े कि इलेक्शन रिक ना हो देखिए मैंने हमेशा देखा है कि टेक्नोलॉजी जो अंदर है उसको एम्प्लीफाई करती है और जो कुछ भी आप एक घंटा में पहुंचाना चाहते पहले नहीं पहुंच पाता था लेकिन आज एक घंटे एक घंटे के अंदर आपकी विचारधारा आपका वीडियो आपका ऑडियो देश के कोने कोने पहुंच सकता है अगर इसका इस्तेमाल ढंग से हो इसके दोनों आयाम हैं मेरा सुझाव ये होगा कि जो जो सरकार जो जो पार्टियां सरकार में हैं वो ए और सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार से विचार करें ऐसे प्लानिंग करें कि ये दोनों टूल डेमोक्रेसी को इनेबल करें डेमोक्रेसी को मजबूत करें और इेस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज एवेलेबिलिटी टू अ पर्सन डेमोक्रेसी सबको समानता में उपलब्ध हो यही बात मैं कहना चाह रहा था और साथ में जो बात मैंने कही पक्षी के दो पंख की इस पे जरूर गौर करिएगा क्योंकि आप सारे नौजवान हैं पता नहीं फ्यूचर में कौन आप में, आपके विषय से प्रधानमंत्री बने कौन मंत्री बने देश को क्या क्या आपके यहाँ से उपलब्ध हो इसलिए सभी को इस पर विचार करना है कि जो पक्षी के दो पंख हैं हमारे विश्वनाथ जी के जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका जरूर उपयोग करना चूंकि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो बाहर के साथ साथ अंतरतम को मजबूत करना जरूरी है जिससे एआई और सोशल मीडिया आपके अंतरतम को घर घर तक पहुंचा सके जय हिंद जय भारत थैंक यू थैंक यू वेरी मच एडवोकेट सोमनाथ भारती जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम and sharing some important insights with our youth.